हे हाय, आई एम डॉक्टर अमित गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बॉलीवुड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस क्या ट्रीटमेंट ऐसा फॉलो करते हैं जिससे उनकी स्किन की एज आगे बढ़ती ही नहीं है। तो उसमें से एक जो ट्रीटमेंट है वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये बहुत सारे कम लोगों को पता होगा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। हार्मोन्स जो होते हैं, जो पहले जाना जाता था कि जैसे जैसे हम लोग एजिंग करते हैं, हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी के हार्मोन का लेवल डिक्लाइन होने लगता है, गिरने लगता है, मगर ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे हमारा हार्मोन लेवल कम होता है बॉडी का, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, वैसे वैसे हमारी एजिंग होती है, हमारी टिश्यू एजिंग, स्किन एजिंग और सेल की एजिंग बढ़ने लगती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट जो जनरली लोग फॉलो करते हैं, खासकर फॉरेन में अगर आप देखें और बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस देखें तो सबको देखें तो वो जनरली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉलो करते हैं। आफ्टर एज ऑफ 30 स्टार्ट कर देना चाहिए लोगों को, ताकि बिकॉज देखा गया है कि हार्मोन्स मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल एंड फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन का लेवल और ईस्ट्रोजन का लेवल जो रहता है वो मेन होता है। तो जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है, हम अगर जब 20 के एज में होते हैं, जब प्यूबर्टिकल एज होती है प्यूबर्टी में, तो सबसे ज़्यादा हार्मोन का स्पाइक होता है, लेवल ज़्यादा होता है। अभी जब लेवल हाई हो रहता है तो आपकी स्किन की क्वालिटी, आपके स्किन का टेक्सचर, आपकी स्किन में टाइटनेस और आपकी जो अंदर एनर्जी रहती है, बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। आपकी बोन और आपकी जो बॉडी के फंक्शनैलिटी होती है वो टॉप पर चल रही होती है। बट जैसे जैसे आपकी बॉडी में हार्मोन का लेवल गिरने लगता है, अराउंड 30 में आता है तो डिक्लाइन होने लगता है, 35 में और कम हो जाता है, 40 के एज में आते थे और कम हो जाता है, फीमेल्स में देखा गया कि 45-50 की एज में आके मेनोपॉज हो जाता है, इसमें वो हार्मोन एकदम डिक्लाइन हो जाता है, तो एकदम से एजिंग होने लगती है, एकदम से आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो जाता है, आपके में जो स्टेमिना है, पावर है वो कम हो जाता है, आपकी स्किन लूज होने लगती है, स्किन लेक्सिटी बढ़ने लगती है। तो इन सब का ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं, हार्मोन्स के पिल्स होते हैं, हार्मोन्स के पैलेट्स होते हैं जो स्किन के अंदर सर्जरी करके इंसर्ट करती रहता है, वो धीरे धीरे हार्मोन्स को रिलीज करता है। बट मैं जो लेके आया हूँ वो जो बहुत ईजी टू यूज होता है वो होता है ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। में ट्रांसडर्मल हार्मोन का ट्रांसफ्यूजन होता है इसमें, ये बायोटेस्टोस्टेरोन है, इसमें छोटा सा इंजेक्शन होता है 10 ml का, 10 ml का इंजेक्शन है, इसको आपको 0.5 ml डेली लेके स्किन पे लगाना है, यू हैव टू अप्लाई ऑन योर स्किन। तो ये धीरे धीरे ट्रांसडर्मली स्किन में वो हार्मोन का लेवल एब्जॉर्ब होने लगता है। ये सो एक्चुअली हार्मोन नहीं होता है, ये बायो आइडेंटिकल हार्मोन होता है, हार्मोन ये सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट होता है, जिसमें उसको लैब में सिंथेसाइज करके बायो आइडेंटिकल हार्मोन बनाते हैं, जो बॉडी के अंदर जब हम लगाते हैं स्किन की लेयर पे लगाया जाता है और ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो ये सिंपल सेम जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन वर्क करते हैं, सेम ये भी वैसे ही वर्क करता है, इसको कहते हैं बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स, जो एक हार्मोन्स की तरह वर्क करता है। तो हमारी बॉडी को लगता है कि हार्मोन है और ये पूरा खेल हमारी बॉडी में हार्मोन्स का होता है, जैसे हार्मोन हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। तो जब हमारी एजिंग होती है ये हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, तो इसको जब आप रिप्लेस कर देते हो तो बॉडी को लगता है कि वापस से वो हार्मोन्स आ गए हैं और हम वापस से उसी एज की एज में पहुंच जाते हैं, हमारी बॉडी वैसे ही फंक्शन करने लगती है, वैसे ही हमारी बॉडी में स्टेमिना आ जाता है, हमारी स्किन क्वालिटी वैसी ही अच्छी हो जाती है जैसे कि हम लोग यंग एज में होते हैं। तो आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज यू हैव टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ क्रीम्स, जो फॉर मेल्स ये बायोटेस्टोस्टेरोन होता है, बायोटेस्टोस्टेरोन है, और फॉर फीमेल इस ईस्ट्रैडियोल क्रीम, ईस्ट्रोजन क्रीम, और खासकर फॉर मेनोपॉज एज जो वुमेन्स होती हैं आफ्टर 40-45 आपको ये लगा लेना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, इससे आपकी वही जो आफ्टर मेनोपॉज जो दिक्कतें होती है लाइक ऑस्टियोपोरोसिस या हॉट फ्लशेस, या आपका स्टेमिना कम हो जाता है, या बहुत जल्दी थकान हो जाती है, या स्किन एकदम लूज होने लगती है, तो ये सारी दिक्कत आपको खत्म हो जाएंगी। आपको इसको डेली 0.5 ml आपको डेली स्किन और नेक में आपको इसको लगा के मसाज करके रात भर छोड़ना है। इट्स रियली वेरी गुड एंड इफेक्टिव। अगर आप इसको 3-4 महीने या 6 महीने रेगुलर फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छा आता है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिकॉज ये हार्मोन नहीं है, इट्स अ बायो आइडेंटिकल हार्मोन और ये नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा www.lescomic.com पे, नीचे वेबसाइट है, मैं लिंक भी डालूंगा, आप इसको लीजिए और ये इसको फॉलो कीजिए। ये
इसके साथ साथ कुछ डाइट भी आती है जो HCG डाइट होती है फॉर वेट लॉस के लिए, वो भी आपको lessomic.com पे मिल जाएगी। बहुत सारे मेलाटोनिन करके जो कैप्सूल्स हैं वो भी है, जो जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बहुत अच्छा है, स्लीप साइकिल को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। बट सबसे अच्छा ये है कि बायोटेस्टोस्टेरोन, मैं भी इसको अप्लाई करना चालू कर दिया है बिकॉज आई एम 34 नाउ, तो मैं इसको चालू कर दिया कि धीरे धीरे, ताकि अभी से अगर अप्लाई करूँगा तो मेरे जो जो स्किन है, क्वालिटी की टेक्सचर वो बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, और अभी भी है मेरा मेंटेन, तो उसको और मेंटेन करने के लिए मैं इसको अप्लाई करता रहता हूँ। आप लोग भी अप्लाई कीजिए। एंड हाँ, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो जो बायोटेस्टोस्टेरोन है वो है 1600 का, वन इंजेक्शन जो आता है, और जो इस्ट्रोजन वाला है जो फीमेल्स का है वो 800 रुपीज़ का है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है आपकी एजिंग को लेकर अगर देखा जाए तो। प्लीज़ डू फॉलो मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। बाय। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है।